हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट। सो वी आर इन रिसीवर चैप्टर एंड टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर द रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक। आई हैव एक्सप्लेन यू वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीवर, दैट इज इमेज फ्रीक्वेंसी इन आवर लास्ट लेक्चर। एंड वी हैव सीन टू न्यूमेरिकल्स ऑल्सो रिलेटेड टू द इमेज फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट। नाउ देयर इज वन important question in receiver chapter. As I have told you earlier, when I am explaining you the super heterodyne AM receiver block diagram, as well as the concept of mixer, as well as in the last lecture also, while explaining the image frequency concept, I have explained you the concept of local oscillator frequency also. Because the image frequency problem is related with local oscillator frequency only. If the local oscillator frequency is kept constant, so while the incoming frequency is lesser or greater, that is the concept which comes with the along with the image frequency problem. ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ने मिक्सर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। मिक्सर के कॉन्सेप्ट में हम लोग ने ये पढ़े हैं कि दो टाइप की फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिक्सर में आती है और आउटपुट में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट जनरेट करता है जिसका नाम होता है IF, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और हम लोग ने अभी तक ये पढ़े हैं अपने मिक्सर के कॉन्सेप्ट में, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में, कि हमेशा लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वो बड़ी रहती है, ज्यादा रहती है, किससे? इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से। अगर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से, तो वो रिजल्ट बना सकती है, दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम जिसका नाम था इमेज फ्रीक्वेंसी। वो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके। अब सवाल ये उठता है, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमेशा ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को ग्रेटर ही क्यों रखने का इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से, व्हाई, इसका रीजन क्या है? ये रीजन आज हम लोग जानेंगे। तो ये रीजन जानने के लिए ये मैंने क्वेश्चन को लेके आया हूँ आपके सामने। दिस इज अ MSBT मॉडल आंसर सोल्यूशन। ये MSBT का मॉडल आंसर सोल्यूशन है। ये विंटर 2017 के एनालॉग कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था फॉर 4 मार्क्स। क्या क्वेश्चन है देख लो आप लोग भी इधर पे। व्हाई शुड लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बी ग्रेटर देन सिग्नल फ्रीक्वेंसी इन AM रिसीवर? तो ये पहला ही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर क्यों होना चाहिए इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से इन AM रिसीवर। ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई IF हैज कॉन्स्टेंट वैल्यू। और ये भी एक्सप्लेन करो कि IF फिक्स ही क्यों रहता है। जैसे AM रिसीवर में IF की वैल्यू मैंने आपको बता चुका हूँ कितना है, 455 किलोहर्ट्स, तो वो कॉन्स्टेंट ही क्यों रखने का रहता है, व्हाई इट इज मेड कॉन्स्टेंट। तो आज ये हम लोग दो रीजन हम लोग जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल आंसर सोल्यूशन। तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्यों हमेशा ज्यादा रहती है वो पहले हम लोग को इधर पे जानना है, वो हम लोग को पहले इधर पे अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले इधर पे देखो क्या दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज मेड ग्रेटर देन इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी इन रेडियो रिसीवर। व्हाई? लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज रेंज इन द फॉर्म ऑफ 995 किलोहर्ट्स टू 2105 किलोहर्ट्स फॉर मीडियम वेव बैंड। ये ऐसा क्यों दिया है जरा आप इसको जरा अंडरस्टैंड करो कि ये 995 किलो हर्ट्ज से लेके 2105 किलो हर्ट्ज का रेंज क्यों दिया हुआ है लोकल ऑसिलेटर का, व्हाई इट इज गिवन। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि पहला रीजन यहाँ पे ये समझाया हुआ है कि अगर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बड़ी रखते हैं इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी इन AM रिसीवर, जैसा कि मैंने आपको बता चुका था AM में इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिसीवर का बैंड क्या है, किसी को पता है क्या? एनीबडी नोस? जो हम लोग AM सिग्नल रिसीव करते हैं AM रिसीवर में उसका बैंड क्या है, रिसीव करने का बैंड क्या है? व्हाट इज द AM सिग्नल फ्रीक्वेंसी बैंड, रिसीव करने का बैंड? यानी जो भी AM सिग्नल आपका रिसीव होगा वो पर्टिकुलर यही फ्रीक्वेंसी रेंज में रिसीव होगा। तो उसका जो बैंड मैंने आपको बताया था इट इज 540 किलोहर्ट्ज टू 1640 किलोहर्ट्ज। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, मैं वापस वो चीज रिमाइंड करा रहा हूँ कि AM सिग्नल रिसीव करने का जो बैंड है, AM सिग्नल को रिसीव करने का बैंड जो डेजिग्नेट किया हुआ है वो है 540, 540 किलोहर्ट्ज से लेके 1640 किलोहर्ट्ज, यानी ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में ही AM सिग्नल रिसीव होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये उठाया हुआ है
कि अगर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखते हैं इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से तो क्या रेंज बनेगा, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या बनेगा, तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का रेंज ये बनेगा। ये रेंज कहाँ से आया, 995 किलोहर्ट्ज टू 2105 किलोहर्ट्ज कहाँ से आया, ये आपको याद रहना चाहिए कि लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितने के अमाउंट से बड़ी रहेगी इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से, बाय द अमाउंट ऑफ आई एफ एम रिसीवर में कितना होता है। कैन एनीबॉडी टेल मी, कोई मुझे जवाब दे सकता है, व्हाट इज द आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन एएम रिसीवर, कितनी बार बता चुका हूं मैं, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एएम रिसीवर में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, कैन एनीबॉडी टेल मी, कोई जवाब दे सकता है, यस या नो बोल दो चलेगा मेरे को। एएम रिसीवर में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने किए थे, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो मिक्सर के आगे जो फिक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है आईएफ, वो एएम रिसीवर में कितनी है, एएम रिसीवर के लिए कितनी है, एनीबॉडी कोई जवाब दे रहा है, आप लोग इससे भी तो अंडरस्टैंड करो, जब मैं बताया आप लोग को कि एएम सिग्नल रिसीव करने की जो बैंड है वो 540 किलोवाट्स से 1640 किलोवाट्स है, तो कितने के अमाउंट से ज्यादा रखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितने के अमाउंट से ज्यादा रखा है, 540 में क्या ऐड किया हुआ है जो ये 995 दिख रहा है, 540 किलोहर्ट्ज में कितना ऐड किया हुआ है जो ये 995 हो गया, 540 प्लस वॉट इज इक्वल टू 995, 540 में क्या एडिशनल ऐड करके 995 होता है, 550 में क्या ऐड करके 995 होता है, या तो आप सिंपल ये करो ना, 995 माइनस 540 कितना आता है, 500। यासीन मुंशी ने इधर पे सेपरेटली 455 जवाब दिया है, 445 किलोवाट्स, वेरी गुड यासीन, यही चीज आप ऑडियो में भी बोलते तो अच्छा होता था, आप ऑडियो यूज कर सकते थे। सो 445 आईएफ वैल्यू कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, एएम रिसीवर में आईएफ वैल्यू 455, ठीक है, तो ये 455 किलोवाट्स आईएफ वैल्यू कांस्टेंट है आईएफ एएम रिसीवर में, कितनी बार आप लोग बता चुका हूँ, तो वही हिसाब से ऐड किया हुआ है, एएम रिसीवर की जो बैंड 540 किलोवाट्स है, 540 में आप 455 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 995, और जो लास्ट वाला रेंज मैं आपको बोल रहा हूँ, लास्ट वाला रेंज कितना बोल रहा हूँ, 1640, तो 1640 में भी 455 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 2105 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे ये जो रेंज आपको दिख रहा है ना, ये लोकल ऑसिलेटर का जो रेंज दिख रहा है, ये लोकल ऑसिलेटर का रेंज 995 से लेकर 2105 कैसे आया, जो एएम रिसीव करने का जो बैंड है 540 किलोवाट्स से 1640 किलोवाट्स, उसमें वही आईएफ की वैल्यू ऐड करके, तो आईएफ की वैल्यू अगर एफओ लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग ज्यादा रखते हैं इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से, तो कितने के अमाउंट से ज्यादा रखेंगे, वो आईएफ के अमाउंट से ही ज्यादा रखेंगे ना, 455 किलोहर्ट्ज़ के अमाउंट से ही ज्यादा रखेंगे, तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना बनेगा फिर, 995 किलोहर्ट्ज़ टू 2105 किलोहर्ट्ज़, तो यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर की कितनी बनेगी, 995 किलोहर्ट्ज़, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर की कितनी बनेेगी, जो अपने को ट्यून करना है, वेरी करना है, तो वेरी करने में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर की कितनी बनेगी, 2105 किलोहर्ट्ज़, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब दोनों का रेशियो लेंगे, एफ मैक्स अपॉन एफ मीन, तो 2105 डिवाइड बाय 995, तो आपको आंसर क्या आया, कितना आया, ये डिवाइड करके 2.2, यानी ट्यूनेबल रेशियो, इसको बोलते हैं ट्यूनेबल रेशियो, यानी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को हम लोग को ट्यून करना है, ट्यून करना मतलब समझ में आता है ना आपको, वेरी करना है, तो हम लोग को जो वेरी करने का रेशियो जो मिला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपॉन मिनिमम फ्रीक्वेंसी करके, वो कितना मिला, 2.2 मिला, तब जब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम लोग ज्यादा रखेंगे, किससे ज्यादा रखेंगे, इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से, बाय द अमाउंट ऑफ कितने के अमाउंट से, 455 किलोहर्ट्ज़, क्योंकि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी मिक्स करके आउटपुट हमेशा क्या कॉन्स्टेंट रखने का है, 455 किलोहर्ट्ज़ कॉन्स्टेंट रखने का है आई एफ फ्रीक्वेंसी, तो ये अमाउंट से कांस्टेंट रखना है, यानी लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को फिर वही अमाउंट से ज्यादा भी रखना पड़ेगा, तभी डिफरेंस करके वो आपको 455 देगा, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर की क्या बनेगी, 995 किलोहर्ट्ज़, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फिर लोकल ऑसिलेटर की क्या बनेगी, 2105 किलोहर्ट्ज़,
तो दोनों का रेशियो की है तो आपको ट्यूनेबल रेशियो जो मिला वो कितना मिला, 2.2 मिला। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरा एस्पेक्ट देखो, इफ लोकल ऑसिलेटर हैज बीन डिजाइन, अगर लोकल ऑसिलेटर को डिजाइन किया गया टू बी बिलो सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और अगर हम लोग लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को ऐसा डिजाइन करते हैं कि वो हमेशा इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से लेसर रहे, तो फिर वो रेंज क्या बनेगा, द रेंज वुड बी, अब वो रेंज देखो क्या बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ है 85 किलोहर्ट्ज़ से लेके 85 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1195 किलोहर्ट्ज़, ये रेंज कैसा है आपको समझ में आया ना। अभी हम लोग ने क्या किए रहेंगे, जो मैं आपको एएम का रेंज बता रहा हूँ, एएम का रेंज क्या बता रहा हूँ, 540 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1640 किलोहर्ट्ज़। अब 540 किलोहर्ट्ज़ में 455 माइनस कर दो, तो 540 किलोहर्ट्ज़ में 455 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 85 मिलेगा, 85 किलोहर्ट्ज़। उसी तरीके से 1640 किलोहर्ट्ज़ जो इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी का हायर रेंज है उसमें 455 माइनस करो, तो 1640 में 455 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1195 किलोहर्ट्ज़। यानी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से कम रखते हैं, कितने के अमाउंट से, 455 के अमाउंट से, तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या बनेगा, 85 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1195 किलोहर्ट्ज़। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फिर लोकल ऑसिलेटर की क्या बनेगी, 1195, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर की क्या बनेगी, 85 किलोहर्ट्ज़। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, एफ मैक्स अपॉन एफ मीन, तो 1195 डिवाइड बाय 85, आप देखो ये ट्यूनेबल रेशियो कितना बन रहा है, 14। पहले वाले में ट्यूनेबल रेशियो जो था, ट्यूनिंग करने का जो रेशियो था वो कितना था, खाली 2.2, अब देखो कितना बन गया, 14 बन गया। अब यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द नॉर्मल ट्यूनेबल कैपेसिटेंस रेशियो इज, जो नॉर्मल ट्यूनेबल कैपेसिटेंस रेशियो जो हम लोग वेरी करते हैं ना, वो कैपेसिटेंस के थ्रू करते हैं, कैपेसिटर के थ्रू वेरी करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो यहाँ पे नॉर्मल ट्यूनेबल रेशियो जो होता है ज्यादा से ज्यादा सी मैक्स बाय सी मिन वो कितने का होता है, 10 का होता है, मैक्सिमम 10 का होता है। अब अपना अगर हम लोग लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को कम रखते हैं इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से, तो हम लोग को ट्यूनिंग करने का रेशियो जो है वो कितना पड़ रहा है, 14 पड़ रहा है, यानी काफी ज्यादा पड़ रहा है, यानी ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो ही नहीं पाएगी आपकी। तो ये प्रॉब्लम है, अगर लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को कम रखेंगे इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से तो देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद ट्यूनिंग, ट्यूनिंग ट्यूनिंग करने से प्रॉब्लम आएगा, ट्यूनिंग का जो रेशियो है, ट्यूनिंग का जो रेशियो आता है मैक्सिमम अपॉन एफ मीन मिनिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपॉन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो 14 हो जाता है। और वही कंपैरिजन में अगर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखते हैं इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से तो आपका जो ट्यूनिंग का रेशियो आता है वो ओनली 2.2। तो ये चीज हमारे लिए करने के लिए एक्सेप्टेंस है, ये नहीं कर सकते हम लोग, 14 नहीं कर सकते। सो दिस कैपेसिटेंस रेशियो इजिली गिव्स द रेशियो ऑफ 2.2:1, तो जो ऊपर वाला है वो इजीली आपको रेशियो दे रहा है 2.2:1, हेंस द रेशियो 2.2:1 रेशियो रिक्वायर्ड फॉर द लोकल ऑसिलेटर ऑपरेटिंग अबव सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज वेल विद इन द रेंज, वो हमारे रेंज में वेल विद इन द रेंज 2.2। Whereas, और जो उसी तरीके से दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए, whereas the other system has a frequency ratio, उसका frequency ratio कितना हो गया, 14:1, whose capacitance are not practically available, तो ऐसे capacitance vary करने का available नहीं है। मैं आपको बताया maximum capacitance vary करने का ratio जो available है कितना है, 10 है, 14:1 vary करने के लिए capacitance practically available नहीं है, practically available नहीं है, तो that's why ये चीज को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटेंस रेशियो अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिकली वेरी करने के लिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हैं इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बाय द अमाउंट ऑफ आईएफ। तो एम रिसीवर में जो आईएफ है वो कितना है, 455 किलोहर्ट्ज का है, तो 455 किलोहर्ट्ज के अमाउंट से हम लोग हमेशा ज्यादा रखते हैं लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को। तो अगर एएम सिग्नल रिसीवर का रेंज 540 किलोहर्ट्ज़ से 1640 किलोहर्ट्ज़ है तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना बनेगा, उसमें 455 ऐड करके, मिनिमम में 455 ऐड करेंगे तो 995 बनेगा, और जो मैक्सिमम इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 1640 है 1640, उसमें 455 ऐड करेंगे तो 2105 बनेगा। तो इस तरीके से ये रेशियो जब एफ मैक्स अपॉन एफ मीन लेते हैं तो अपने पास रेशियो कितना आता है, 2.2 का आता है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर पाया होगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये वाइवा क्वेश्चन भी है कि वाई लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन सिग्नल फ्रीक्वेंसी।
सिग्नल मतलब इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो एएम सिग्नल में रिसीव करना है, तो उससे हमेशा ज्यादा ही क्यों रखते हैं? तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही आंसर आपको बताना है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्यूनिंग। फॉर द पर्पस ऑफ ट्यूनिंग वी आर ऑलवेज कीपिंग ग्रेटर लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, कैपेसिटेंस जो प्रैक्टिकली वेरिएबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो हिसाब से हमेशा हम लोग लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हैं। अगर कम रखते हैं तो हमारे पास रेशियो 14 होता है एफ मैक्स अपॉन एफ मीन, और ज्यादा रखते हैं तो हमारे पास रेशियो 2.2 होता है। तो ये 2.2 प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल है, 14 हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम लोग इसी को प्रीफर करते हैं, ऊपर वाले को प्रीफर करते हैं, ज्यादा रखने को प्रीफर करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों में क्लियर करा पाया हूंगा। दूसरा क्वेश्चन था why IF has constant value। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट क्यों रखना है, जैसे एएम रिसीवर में आपको बार बार बोल रहा हूँ 455 किलोहर्ट्ज, तो वो 455 किलोहर्ट्ज मतलब ये कांस्टेंट ही वाला, तो हमेशा वो कांस्टेंट क्यों रखना है? तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, द प्रॉब्लम इन द टीआरएफ रिसीवर आर सॉल्व इन द रिसीवर बाय कन्वर्टिंग एवरी सिलेक्टेड आरएफ सिग्नल टू अ फिक्स लो फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले भी दे चुका था जब मैं आपको दो टाइप का रिसीवर एक्सप्लेन कर रहा था, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और सुपर हेड टू टेल रेडियो रिसीवर। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के बताए थे, वही सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग सुपर हेड टू टेल रिसीवर यूज किया। और सुपर हेड टू टेल मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, मिक्सर, जो आउटपुट में हम लोग क्या करते हैं, आई एफ करते हैं, फिक्स कॉन्स्टेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो जो जो प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वैसे मैंने आपको वहां पे समझाया था प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, कि थोड़ा सा भी आउटपुट अगर फीडबैक हो जाएगा तो वो फिर वो भी क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, फिर वो एम्पलीफायर के जैसा काम नहीं करेगा, वो ऑसिलेटर के जैसा काम करेगा। ठीक है, एक ये भी बताया था। तो ये सब चीज है, इधर पे भी वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि द प्रॉब्लम इन द टीआरएफ रिसीवर, जो टीआरएफ रिसीवर ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के जो प्रॉब्लम थे वो सब हम लोग ने इधर पे सॉल्व किए। किसमें सॉल्व किए, सुपर हेटरोडाइन रिसीवर में, कैसे, एक लो फ्रीक्वेंसी में कॉन्स्टेंट करके, एक लो फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके। दिस फ्रीक्वेंसी कंटेन द सेम मॉड्यूलेशन, ये जो फ्रीक्वेंसी है जो 455 किलोहर्ट्ज़, वो सेम मॉड्यूलेशन कंटेन करती है जैसा एएम का रहता है, और फिर ये इसको एम्पलीफाई किया जाता है, एम्पलीफाई करके तब जाके हम लोग इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। एज द आई एफ इज लोअर देन द लोएस्ट आर एफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी, द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑसिलेशन एंड इनस्टेबिलिटी इज मिनिमाइज। यही चीज मैं आपको बता रहा था अभी ना, कि जो ऑसिलेटर के जैसा बिहेवियर हो जाता है, अगर छोटा सा भी आउटपुट फीडबैक हो जाएगा इनपुट में, तो वो भी एम्पलीफाई होकर आगे पहुंचेगा, फिर वो एम्पलीफाई कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो फिर वो एम्पलीफाई के जैसा काम नहीं करेगा, वो किसके जैसा काम करेगा, ऑसिलेटर के जैसा काम करेगा, आउटपुट हमेशा क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में कॉन्स्टेंट कर दें, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू कर दें, तो इनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अगर बार बार वेरी होता रहेगा, इनकमिंग सिग्नल जैसा आ रहा है वैसा हिसाब से बार बार आप लोग रिसीव करोगे, तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। इससे अच्छा क्या करो, एक आउटपुट को हमेशा एक कॉन्स्टेंट कर दो, वॉट एवर इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, कोई भी इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी आ रही है आने दो, आप हमेशा एक अपना आउटपुट फिक्स कॉन्स्टेंट मेंटेन करो। नहीं तो हमेशा क्या होगा, जैसे जैसा इनकमिंग सिग्नल आ रहा है, बार बार आउटपुट भी क्या हो रहा है, वैसा वैसा चेंज हो रहा है। तो वो चेंज होने की वजह से क्या होगा, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, इनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो हम लोग आउटपुट को स्टेबल करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट वैल्यू में ही कन्वर्ट करते हैं उसको, और वो है अपनी आई एफ, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रीजन समझ में आया? तो आई एफ हमेशा कॉन्स्टेंट क्यों रखते हैं, बिकॉज द आउटपुट इज नॉट एबल टू अनस्टेबल, आउटपुट अनस्टेबल नहीं होगा, ऑसिलेटरी बिहेवियर जैसा नहीं होगा, और एक लो वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो प्रॉब्लम आता है, ट्यूनिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता है, वो भी नहीं रहेगा। वो यही नीचे इधर पे दिया हुआ है। तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया था। कब दिया था, जब दो टाइप के रिसीवर एक्सप्लेनेशन करवा रहा था, टीआरएफ रिसीवर, सुपर हेटरोडाइन रिसीवर। तो टीआरएफ रिसीवर के जो जो प्रॉब्लम्स थे, शॉर्टकमिंग्स थे, वही शॉर्टकमिंग सब ओवरकम हुए किसमें, सुपर हेटरोडाइन में, विद द हेल्प ऑफ आईएफ, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये कवर किया, और ये अपने रिसीवर से रिलेटेड था कि लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा हम लोग ज्यादा क्यों रखते हैं इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से। मैं बार बार आप लोगों को वहां पे भी जब समझा रहा था,
एएम रिसीवर, तो मैं आपको बोला था मैं बाद में बताऊंगा आपको इसका रीजन, बाद में बताऊंगा कि लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा हम लोग इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा क्यों रखते हैं, तो उसका रीजन काय का है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्यूनिंग। सीधा एक सिंपल सेंटेंस में आपको ये जवाब देना है, फॉर द पर्पज ऑफ इजीनेस ऑफ ट्यूनिंग। ट्यूनिंग में आसानी मिलने के लिए हम लोग हमेशा लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हैं इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से। फिर आगे कोई पूछेगा कैसे, समझा सकते हो क्या, बता सकते हो क्या, तो बोला हाँ बता सकता हूँ। तो कैसे बता सकते हो, बताने का कि सर एएम रिसीवर में इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, जो एएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 540 किलोहर्ट्ज़ से 1640 किलोहर्ट्ज़ है। तो अगर हम लोग लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हैं इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से, तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का जो रेंज बनेगा वो 995 से 2105 बनेगा, तो उसमें रेशियो कितना आता है 2.2। वही अगर हम लोग लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, रखेंगे कम रखेंगे इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से, तो लोकल ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज बनेगा वो कितने का बनेगा, 85 से 1195 किलोहर्ट्ज़ का बनेगा। अब इसमें रेशियो सर कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, उसमें रेशियो कितना था 2.2, तो 2.2 प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 14 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ट्यूनिंग करने के लिए। इसके लिए हम लोग हमेशा ये वाला प्रीफर करते हैं, कौन सा वाला, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को बड़ा रखने का हमेशा, किससे, इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से। ओके, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, व्हाई लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज केप्ट हायर देन इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फिर भी आप लोग को अगर कुछ डाउट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, नहीं क्लियर हुआ, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग को भेजूंगा फिर से एक और बार, दोबारा अच्छे से केयरफुली जो प्रीवियस नोट्स है जो है उसको सामने नोट्स को रख के, जो मैं रेंज बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको बार बार जो एम का रेंज बोल रहा हूँ ना, 540 किलोहर्ट्ज़ टू 1640 किलोहर्ट्ज़, उसको पहले ध्यान में रखो, एएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो कितना है, 540 किलोहर्ट्ज़ से 1640 किलोहर्ट्ज़, ये पहले सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखो, फिर वो ध्यान में रखोगे तो वो सब देख के तब आपको आगे मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वंस अगेन, प्लीज स्टडी वेल एट होम, एक और बार ध्यान से अच्छे से घर में देखो, स्टडी करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, फिर इसके बाद अब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफएम जनरेशन, तो वो जनरेशन में जाने वाला था इसलिए मैंने आज ये पहले कवर कर दिया, रिसीवर का ये जो पार्ट था इसलिए मैंने ये कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जनरेशन के टेक्निक्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग, प्लीज स्टे एट होम, स्टडी वेल, थैंक यू वेरी मच।